वेलकम एवरी वन आई एम डॉक्टर निशा सिंह आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल को अल्टीमेट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी दिए हुए फ्यूल के परसेंट कॉम्पोजिशन को निकालते हैं जिसके बेसिस पर हम फ्यूल की क्वालिटी को डिटर्मिन कर सकते हैं कि फ्यूल गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी का फ्यूल है तो जब हम अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन परसेंटेज हाइड्रोजन परसेंटेज नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन परसेंटेज तो अल्टीमेट एनालिसिस की हेल्प से हम इन पांच एलिमेंट्स का परसेंट कॉम्पोजिशन किसी भी दिए हुए फ्यूल के लिए एनालाइज करते हैं जिनसे मिलकर फ्यूल बना होता है तो इस कॉम्पोजिशन में कार्बन की परसेंटेज को निकालने के लिए हम कार्बन को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीओ टू हाइड्रोजन को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर यानी दिस इज़ इन वेपर स्टेट नाइट्रोजन को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ अमोनिया गैस सल्फर को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेरियम सल्फेट और जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को हम इस सम टोटल की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं दैट मीन्स हंड्रेड माइनस अदर एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स अदर परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम माइनस करके ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन है उसके लिए हमें एक इंडिविजुअल सैंपल चाहिए नाइट्रोजन के लिए इंडिविजुअल सल्फर के लिए इंडिविजुअल तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस यहां हमें हर बार एक अलग सैंपल की जरूरत पड़ती है जबकि प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हमने एक ही सैंपल से मॉइस्चर वॉलेटाइल मैटर और रेजिडियो uh, और फिक्सड कार्बन परसेंटेज कैलकुलेट की थी तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले पार्ट में कार्बन हाइड्रोजन दूसरे पार्ट में नाइट्रोजन तीसरे पार्ट में सल्फर और चौथा पार्ट हमारा कैलकुलेशन की फॉर्म में रहेगा जिसमें हम ऑक्सीजन परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो हेयर इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन परसेंटेज तो इस डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको हम पहले अपने इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं फिर एक रे डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना है कि हम एक फ्यूल सैंपल लेते हैं इस छोटे सी ट्यूब के अंदर रखे हुए एक प्लेटिनम बॉट में जिस फ्यूल सैंपल का कंबशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो पाथ है दिस पाथ इज फॉर ऑक्सीजन गैस यहां से ऑक्सीजन गैस पास करी इस फ्यूल को कंबस्ट करा जब फ्यूल का कंबशन करा तो हमें दो गैसेस पर कंसीडर करना है पहली गैस हमारी कौन सी कंसीडर करनी है यहां से जो मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज हुआ उसमें से हमें दो गैसेस को कंसीडर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर वैपर को तो दैट मींस अब जो रिलीज होने वाली ये दोनों गैसेस हैं इन दोनों गैसेस को हम दो अलग अलग कंटेनर्स के अंदर पास करते हैं पहला कंटेनर है जिसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर के ओ एच सोल्यूशन प्रेजेंट है तो जो एन हाइड्रोस कैल्सियम क्लोराइड है ये एन हाइड्रोस कैल्सियम क्लोराइड वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है और जो के ओ एच सोल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है तो सेम कलर यूज कर रहे हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एन हाइड्रस सॉरी के ओ एच सोल्यूशन और हमारे वाटर वेपर के लिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन तो दैट मींस जब हम उस मिक्सचर ऑफ गैसेस को इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर पास ऑन करेंगे तो जितना भी वाटर वेपर है वो वाटर वेपर इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में एब्सॉर्ब हो जाएगा इसके एब्जॉर्बन के बाद जो रिमेनिंग गैसेज हैं उनको फिर हम पास करेंगे के ओ एच सोल्यूशन में जिस के ओ एच सोल्यूशन में सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी तो अब ये जो दोनों हमने यूज किए कैल्शियम क्लोराइड और के ओ एक्स सोल्यूशन इन दोनों यू ट्यूब शे, यू शेप की ट्यूब में जब सी ओ टू और एच टू ओ का एब्जॉर्बशन हो जाएगा तो जितनी भी रिमेनिंग ऑक्सीजन बची वो इस एक्सेस ऑक्सीजन की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी अब हम इन दोनों की हेल्प से कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है तो जितना भी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हम लेते हैं इसका वेट हमें पता होता है जितना भी के ओ एच हम लेते हैं इसका वेट हमें पता होता है और जब हमने इसको एब्जॉर्ब करा दिया तो उसके बाद का वेट हमें पता है तो दैट मीन्स जितना भी वेट इंक्रीज हुआ उस इंक्रीज वेट की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो आई होप ये प्रोसेस क्लियर होगा अब इसको हम रे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे एक बार बस फिर से समप कर देती हूँ शॉर्ट में कि हमने फ्यूल का कंबशन किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दो गैसेस रिलीज हुई CO2 टू एच टू हम दो को कंसिडर कर रहे हैं केवल बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जितनी भी कार्बन है वो कार्बन डाईऑक्साइड में कन्वर्ट हुई जितना हाइड्रोजन है वो वाटर वैपर में कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कराने के लिए हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया अगर इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का वेट पहले सपोज 10 ग्राम था तो अब ये बढ़कर 10 से ज्यादा हो गया तो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सेम कंडीशन के ओ एच के लिए भी है ये के ओ एच रिमेनिंग एसेज में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगा तो इन दोनों के इंक्रीज वेट की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो अब हमने इस पूरे प्रोसेस में किया क्या दैट मीन्स अगर एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो विद हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम इसको मैं समझा रही हूं हमारे पास इनिशियली था पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल यानी हमने कोल को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको एयर में ड्राई कर लिया विच इज बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको जलाया दैट मीन्स इसका कंबशन किया अब कंबशन होने के बाद हम दो गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं तो उन दो गैसेस के रिएक्शन के लिए मैंने दो पार्टीशन लिख दिए है सबसे पहला पार्टीशन फॉर कार्बन दैट मीन्स जितना भी कार्बन था वो कार्बन किसमें कन्वर्ट हुआ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीओ टू और जितना भी हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर था दैट हाइड्रोजन कन्वर्टेड इंटू वाटर वेपर दैट मीन्स एच टू ओ अब ये कन्वर्जन कैसे हुआ इस कन्वर्जन को देख लेते हैं जितना कार्बन है जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इट विल कन्वर्ट इन टू सी ओ टू जितना हाइड्रोजन है जब ये हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो ये कन्वर्ट हो रहा है एच टू ओ की फॉर्म में अब जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन uh, का कन्वर्जन हुआ अगर उस कन्वर्जन को हम बाय वेट कंसीडर करें तो उस बाय वेट के अकॉर्डिंग कार्बन का एटॉमिक वेट ट्वेल्व दैट मींस पार्ट कार्बन ने थर्टी टू पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और फोर्टी फोर पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट थर्टी वे थर्टी टू होता है तो इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट सिक्सटीन होता है सॉरी तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो थर्टी टू हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का जब हमने ऐड किया तो कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 32, दोनों को ऐड कर दिया दैट बिकम 44. सेम सिचुएशन इज फॉर दिस साइड हाइड्रोजन के लिए टू हो गए क्योंकि दो एटम्स हैं यहां पर ऑक्सीजन का 16, एक एटम का होता है यहां हाफ मॉलिक्यूल यानी सिंगल एटम हम कंसिडर कर रहे हैं तो दैट इज सिक्सटीन तो इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास 12 पार्ट कार्बन है तो इसका कन्वर्जन हुआ 44 पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड में और अगर 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन है बाय वेट तो उसका कन्वर्जन हुआ 18 पार्ट ऑफ वाटर वेपर में इन नंबर्स को हम यूटिलाइज करेंगे अपने फॉर्मूले में जब हम कैलकुलेशन करेंगे अब आगे क्या करना है हमें हमने इन गैसेस को पास किया पास दीज गैसेस इन टू एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है उसने किसको एब्सॉर्ब किया था उसने एब्जॉर्ब किया था वॉटर को तो ब्रैकेट में मैंशन कर देते हैं कि इट एब्जॉर्ब एच टू ओ जब ये एच टू ओ को एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन हम कैसे मेंशन कर सकते हैं सी ए सी एल टू प्लस सेवन एच टू ओ दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड में सी ए सी एल टू डॉट सेवन एच टू ओ ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है पास द रिमेनिंग गैसेस किस में पास किए हमने के ओएच सोल्यूशन में पास किए हैं। पास द रिमेनिंग गैसेस इनटू के ओएच सोल्यूशन जब हम के ओ एच सोल्यूशन के अंदर पास करेंगे तो किसका एब्सॉर्बशन होगा एब्जॉर्बन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का दैट मीन्स इट एब्जॉर्ब सीओ टू सीओ टू का एब्सॉर्बेशन मैंशन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच जब सीओ टू के साथ रिएक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में वाटर में ठीक अब हमें क्या करना है अब हमें कैलकुलेशन करनी है हमने अपने प्रोसेस को पूरा करा दिया इस प्रोसेस को पूरा कराने के बाद हम दोनों का वेट कैलकुलेट करेंगे यानी हम इस कैल्शियम क्लोराइड का वेट लेंगे जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया हम इस के ओएए सोल्यूशन का वेट लेंगे जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई ठीक तो अगर हमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले हाइड्रोजन परसेंटेज के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा जितना भी इंक्रीज वेट होगा इंक्रीज वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्योंकि हमने इसको कैल्शियम क्लोराइड में अब्जॉर्ब कराया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल, और रिएक्शन की हेल्प से हम मेंशन करेंगे कि कितने पार्ट से कितना पार्ट वाटर वेपर बना दो पार्ट हाइड्रोजन है और 18 पार्ट वाटर वेपर बना इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन ये जो इंक्रीज वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है ये किसके इक्वल होगा इंक्रीज वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सपोज हमें इंक्रीज वेट की जगह क्वेश्चन में कुछ और दे दिया तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं वेट ऑफ वाटर फॉर्म जितना वाटर बना होगा उतना ही एब्जॉर्ब हुआ होगा तो दोनों का वेट बराबर होगा जितना वेट कैल्शियम क्लोराइड का इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ इस वाटर की फॉर्मेशन की वजह से तो अपने सेकेंड फॉर्मूले को देख लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कार्बन परसेंटेज कार्बन को हमने एब्जॉर्ब कराया है के ओ एच सोल्यूशन में तो दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज वेट ऑफ KOH divided by डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल by मल्टीप्लाइड बाय इसकी इक्वेशन ट्वेल्व पार्ट कार्बन फोर्टी फोर पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो दैट मींस ट्वेल्व अपॉन फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड दिस फॉर्मुला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कार्बन परसेंटेज और इसमें जो इंक्रीज वेट ऑफ के है वो किसके इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फॉर्म तो इंक्रीज वेट ऑफ के ओ एच इज इक्वल टू वेट ऑफ सी ओ टू फॉर्म तो इन दोनों फॉर्मुलाज की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन तो आई होप ये पहला पार्ट आपको क्लियरली समझ में आया होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कैलकुलेशन का जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन और सल्फर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और उसी के साथ ऑक्सीजन परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर देंगे सो दिस विल बिकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस तो इफ देयर इज एनी क्वेरी एनी डाउट और एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच